press the bell icon on the YouTube app and never. हम जॉर्ज बुश को दोबारा क्यों ना वोट करें तो बोला it's the economy stupid. You know the human race. हम लोग जो इंसान है we are all economic animals. अगर हमारे पास कुशलता है if we have economic strength, if we have economic comfort. तो बाकी सब चीजें लाइन में आती है और फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है डेवलपमेंट ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि आपकी डेवलपमेंट में बाधा ना आए अब हम ट्रेड करते हैं दूसरे देशों के साथ हमारी इकोनॉमी अब 4.2 ट्रिलियन डॉलर पॉइंट ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं दैट मीन्स पर कैपिटा जो आपकी पाकिस्तान की हमसे जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के पूर्व राजदूत मेरे पर्सनल फेवरेट और ज्ञान से भरपूर दीपक वोरा साहब तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे जय हिंद जय भारत फाइनली जो उसने लिखा था किताब के अंदर कि नॉन मिलिट्री स्मार्ट पावर अब वो स्मार्ट पावर योगा है और वो स्मार्ट पावर हमारी फिल्में हैं मैं अमेरिका में जाता हूं तो मुझे सब देखिए शाहरुख खान बारे में क्या क्या कहने लगते हैं आयुर्वेदा ये चीजें तो बेटा इस सब को ध्यान में रखते हुए लीविंग असाइड जो हमारे आपस के बायलैटरल रिलेशनशिप है भारत और पाकिस्तान की ग्लोबली आज भारत की आवाज सुनी जाती है दे से यू आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ आई डोंट लाइक द टर्म ग्लोबल साउथ इसका मतलब एक ग्लोबल नॉर्थ भी है एक पहले ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्रंटेशन होता था अब नॉर्थ साउथ का हो रहा है फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का हो जाएगा ये बनाते रहो भारत के पुराने नक्शे देखेंगे दुनिया गोल है कोई नॉर्थ नहीं कोई साउथ नहीं कोई ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं वो 500 साल पहले किसी डच मैप मेकर कार्टोग्राफर ने बोला था ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट मेरा नहीं ख्याल कुरान में कहीं लिखा है कि ये नॉर्थ है ये साउथ है ना गीता में लिखा ना तालमूद में लिखा ना गुरु ग्रंथ साहब में लिखा कहीं नहीं लिखा ये नॉर्थ साउथ अपनी तरफ से इन्होंने बना दिया हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते द वर्ल्ड इज वन फैमिली तो यही चीजें मैं बताना चाहता था जो उसने विलियम फॉक्सी साहब फॉक्स मैं फॉक्सी कहता हूँ जो अपनी किताब में लिखा है तो दीज थिंग्स वी आर सीइंग टुडे आज हर भारतीय के दिल में एंड आई एम सेइंग दिस विदाउट बोस्टिंग आज वो आत्मविश्वास है यस वी कैन डू इट और हमने बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन सर एक चीज मैं यहाँ जरूर पूछना चाहूंगी कि एक तो आपके ख्याल से जो भारत इस तरह से आगे गया उसमें सबसे ज्यादा जो है वो इकोनॉमी की वजह से आगे बढ़ पाया या फॉरेन पॉलिसी जाहिर है फॉरेन पॉलिसी भी इकोनॉमी के साथ ही अटैच होगी लेकिन पाकिस्तान ने एससीओ में इनवाइट किया और आपके यहाँ से इनकार किया गया एक मौका था पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल एक मौका था जिसमें पाकिस्तान बात कर सकता था आपके यहाँ से कोई भी आता तो आपके ख्याल से ये ठीक हुआ कि उन्होंने मना कर दिया आप लोगों ने मैं इसके ऊपर कॉमेंट नहीं करूंगा लेकिन अगर आपने डेवलपमेंट की बात की है 1990s में मेरे दोस्त बिल्लू भाई क्लिंटन मैं उनको बिल्लू भाई कहता हूँ तो बिल्लू भाई मैं अच्छी तरह जानता हूँ इलेक्शन लड़ रहे थे लोगों ने कहा कि आपको क्यों वोट करें हम जॉर्ज बुश को दोबारा क्यों ना वोट करें तो बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड यू नो द ह्यूमन रेस हम लोग जो है इंसान है वी आर ऑल इकोनॉमिक एनिमल अगर हमारे पास कुशलता है इफ वी हैव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इफ वी हैव इकोनॉमिक कंफर्ट तो बाकी सब चीजें लाइन में आती है और फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है डेवलपमेंट ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि आपकी डेवलपमेंट में बाधा ना आए अब हम ट्रेड करते हैं दूसरे देशों के साथ हमारी इकोनॉमी अब 4.2 ट्रिलियन डॉलर पॉइंट ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं दैट मीन्स पर कैपिटा जो आपकी पाकिस्तान की हमसे ज्यादा थी टिल अबाउट 2010-11 अब हमारी दुगनन आपसे डबल से ज्यादा होगी $3,000 per capita in nominal terms. मैं PPP purchasing power parity की बात नहीं कर रहा तो जब ये होता है तो आपकी foreign policy वही पूरी रहती है कि आप ऐसा वातावरण create करिए कि आपको unnecessary military expenditure ना करना पड़े वही चीज आप development पे करेंगे मिसाल के तौर पे बेटा कौन सा देश है जो एक दिन के अंदर 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है मैं हूं कौन सा देश है जो 8 नए हवाई अड्डे खड़ा करता है एक साल के अंदर मैं हूं कौन सा देश है जो 2 मेट्रो सिस्टम खड़े करता है एक साल के अंदर मैं हूं ये आत्मविश्वास है और ये जब आपके पास फाइनेंशियल ताकत है और आप 4 ट्रिलियन डॉलर से आगे निकल गए आगे मैं क्या कह सकता अब एसईओ की जो आपने बात की इफ आई वर टू बी नॉटी तो मैं कहता कि पाकिस्तान से मुझे क्या मिलता है एक्सेप्ट फॉर आतंक क्या ले सकता हूं आपसे आपके पास आपसे क्यों बात करूं You are irrelevant. और बहुत से देश हमसे कहते हैं कि हमने उनसे बात नहीं करनी हम आपसे बात करेंगे और जो डेवलपमेंट का रोल मॉडल है
ये दीज अमीनो तीन देशों में अफ्रीका में मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ और वो हमें कहते हैं कि वी हैव चोजन इंडिया एज आर रोल मॉडल और मैं क्या जवाब देता हूँ यही है राइट चॉइस बेबी वो पेप्सी का इस्तेमाल आता था यही है राइट चॉइस बेबी तो मैंने कहा आप लोगों ने हमें चुना है वेरी गुड हम आपके आपके साथ कभी धोखा नहीं हम अपने आप से हम जो मर्जी करते रहे पोलिटिकल इंटरनल वो सब चीजें इमटेरियल है इंटरनेशनल रिलेशन में वी आर ट्रस्टेड और जब ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं तो आपको तो पता ही है कि G20 की मीटिंग हुई और बाकी जो चीजें हम लोग यहाँ करने वाले हैं कितनी मीटिंग्स होती हैं लोग दबा दबा के भारत दौड़ते हैं बातचीत करना चाहते हैं यहाँ आते हैं कहते हैं आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हैं आप तो डेवलप्ड है अमेरिका टाइगर अभी थोड़े गाँव में जाके देखो अभी बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने बट वन चुनौती दैट वी डोंट वॉन्ट इज अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इन सिक्योरिटी इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म ये हमें नहीं चाहिए और जब तक हमारा ये मानना है यू मे डिसएग्री जब तक ये टेररिज्म खत्म नहीं हो जाता चाहे पाकिस्तान से आए चाहे चाइना से आए चाहे कहीं और से जब तक वो खत्म नहीं होता मुझे नहीं लगता बात करने का कोई फायदा लेकिन सर खत्म होने में तो सालों लगेंगे अगर पाकिस्तान काम करे भी तब भी बिकॉज इतने लोगों को कंट्रोल करना उनको रोकना वो कोई एक दो दिन में तो नहीं हो जाएगा अगर पाकिस्तान की तरफ थोड़ा बहुत एक्शन दिख रहा है सर ऑपरेशन लॉन्च करने की बात की जा रही है क्या उससे भी भारत खुश नहीं है यू नो आपने तो देख लिया बेटा आई वॉज वेरी सॉरी टू हियर कि 12 राजदूतों पर जो स्वात गए हुए थे वहाँ पे टूरिज्म प्रमोशन के लिए तो उनकी कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया यू नो व्हेन आई रेड दिस आई वॉज वेरी सैड मुझे अच्छा है कि कोई राजदूत नहीं मरा लेकिन एक शायद आपका पुलिस ऑफिसर मर गया था और कुछ घायल हो गए थे तो उस समय बेटा मुझे याद आई जब स्कूल में पढ़ते थे नॉनसेंस पोइम्स एडवर्ड लियर था एक बड़ा मशहूर इंग्लिश नॉनसेंस पोइट तो ऐसी बकवास की चीजें लिखता उसकी पोइम एक थी मैंने एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट को मैंने वो पढ़ी थी उसका नाम था द अकाउंट ऑफ स्वात और ये था हु और व्हाई और वेयर और व्हाट इज द अकाउंट ऑफ स्वात इज ही टॉल और शॉर्ट थिन और स्क्वाट द अकाउंट ऑफ स्क्वाट तो मुझे कुछ उसकी पंक्तियां याद है तो हंसी आ रही थी ये देखकर इतना खूबसूरत इलाका है लेकिन आतंक नहीं किसने भी किया हो अब जो जिनके विचार थे जिनका आइडिया था कि हम उसको फैंटेसी थी कि हम उसको टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाएंगे वो सब खत्म हो गया और चीनी अम्बेसडर तो गया नहीं था क्योंकि पहले ही मेरा ख्याल इसी साल की शुरू में मार्च अप्रैल में 5-6 चीनियों को उड़ा दिया था ये फ्रीडम फाइटर्स देखिए मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूँ बलोच फ्रीडम फाइटर्स जैसे आप लोग कश्मीरियों को कहते थे हम उनको आतंकी कहते थे आप कहते थे फ्रीडम फाइटर्स तो वही चीज वही शब्द मैं यूज कर रहा हूँ ये जो फ्रीडम फाइटर्स है इनके साथ आने से कोई फायदा नहीं है मैम सिंसेरिटी हमें नजर नहीं आ रही ट्रस्ट नहीं है और जब तक ट्रस्ट नहीं है कुछ नहीं हो चाइना के साथ भी हम लोग बात नहीं कर रहे वो तो हमेशा कहते हैं चलिए बॉर्डर को भूल जाइए बाकी मुद्दों पर बात करिए हम कहते हैं बाकी मुद्दों को भूल जाइए पहले बॉर्डर पे बात करिए तो देयर इज नो ट्रस्ट एट ऑल और इस समय तो आप जानते हैं चीन की हालत क्या है मेरा ख्याल वो अभी जो यूएन की जनरल असेंबली मीटिंग हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए जो बाइडन साहब नहीं गए टिंग टोंग पिंग पोंग जो भी चाइना का वो भी नहीं गया रूस के भी नहीं गए ब्रिटेन के वो तो चमचा है अमेरिकियों का वो तो चला जाता है फ्रांस का भी नहीं गया तो जो P5 वाले नहीं गए वहां पर तो क्या क्या इज्जत रहेगी संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या क्या होगा वहां पर सो द बेसिक थिंग इज जब तक ट्रस्ट नहीं हो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में बेटा मेरी एक ही पत्नी है 47 साल हो गए आई एम स्टिल मैडली इन लव विद हर और मेरी पत्नी और मेरे बीच में टोटल ट्रस्ट है अगर ना होता तो पता नहीं फिर शादी इतने साल चलती कि नहीं विदाउट ट्रस्ट देयर इज नथिंग इन ह्यूमन रिलेशंस एज वेल एज इन इंटरनेशनल वो ट्रस्ट हमें नजर नहीं आ रहा इसीलिए जो आपने जिक्र किया नरेंद्र मोदी साहब को कितनी आलोचना हुई आप टिंग टोंग से 8 बार मिले आपने झूला बैठा और ये किया वो क्या मिला आप गए थे नवाज शरीफ साहब की किसी को शादी थी या बर्थडे था उसमें चले गए फिर आप ये गए फिर अटल बिहारी वाजपेयी बस में गए उसके बाद कारगिल हो गया क्या मिला टोटल बिट्रेयल हर बार अब ये माहौल यहाँ पर जो मूड है जो मैं सेंस कर पाता हूँ मेरे ग्रुप का वो कहते हैं यार इनको इग्नोर करो लीव देम असाइड वैसे ही बलूचिस्तान में दंगा हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी फौज भी नहीं जा पाती ऑल काइंड्स ऑफ एनीथिंग लेट देम बी आप अपनी तरफ जो करना है वो करते जाइए आगे बढ़ आजकल तो हमारा सारा फोकस इसके ऊपर है सेमीकंडक्टर्स चिप्स
और एक माइक्रॉन अमेरिकन कंपनी, यू नो द स्टोरी कि हमने जब अग्रीमेंट साइन किया था उनके साथ, हम बोले कि भाई 6 महीने के अंदर हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे और आपको फिर अपना सामान लाके शुरू करना। तो हम 6 महीने तो रुके नहीं, 6 हफ्ते में हमने तो अपना बार्गेन पूरा कर दिया। उनको बोला कि टाइगर लाओ, बोले यार इस स्पीड पे तो हम काम नहीं कर सकते जिस रफ्तार से आप लोग काम कर रहे हैं। अरे भाई पॉजिटिव थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ये चीजें सुनता हूँ देखता हूँ। लेकिन आपके यहाँ जब मैं पढ़ता हूँ कि यहाँ ये हो रहा है, हाँ फैंटेसी बहुत है, अजी हमें तेल मिल गया यहाँ पे अगले दिन पता लगा कुछ नहीं है, अजी यहाँ पे हमें ये मिल गया अगले दिन पता लगता है कुछ नहीं है, हम ग्रीन कार्ड इशू करेंगे दुनिया के लोग भागे आएंगे, यार दो लोग तो आए नहीं वहां पर, हम ये करेंगे वो, ये फैंटेसी है। ये क्या कहते हैं इसको, स्नेक ऑयल, ये चूरन खिलाया जाता है लोगों को। और आपके लोग अभी भी आई फील सॉरी, यू नो दे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ऐसा ही सर, लेकिन आप लोग इतनी आसानी से चूरन नहीं खा रहे हैं और लोगों को बहुत कुछ समझ आ रही है, ये भी एक फैक्ट है। एंड थैंक्स टू आपके लोगों का सोशल मीडिया, आपके आपके देश में आप जैसी बेटियां हैं और आप सच्चाई लोगों के सामने लाती हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक यू। थैंक यू सो मच सर, और हम सच्चाई इसीलिए सामने लाते हैं कि कुछ ठीक किया जा सके। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी, फिर बुलाया करें आप मेरे को, बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे मुलाकात करता हूँ। और एक एक जाते वक्त एक छोटी सी चीज और कह दूं, आपको पता है कि महाभारत का जो जंग हुआ था ये सब पूरी दुनिया के लिए संदेश है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण बोले थे, अर्जुन बोला जो जिसके महारथी थे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन बोला कि ये तो मेरे भाई है, मेरे कजन है, मेरे ये है, मेरे वो है, मैं नहीं लड़ूंगा इनके साथ, मेरे दादा है। भगवान श्री कृष्ण एक चीज बोले कि आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, आप प्रतिशोध रिवेंज के लिए नहीं लड़ रहे हो। और बोले पार्थ जो अर्जुन का नाम था, याद रखो एक चीज, जब तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो वही होता है जो मैं चाहता हूं, और जब तुम वो करते हो जो मैं चाहता हूं वो होता है जो तुम चाहते हो। अगर सच्चाई है हर चीज पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसे ही, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी के सवाल और दीपक वोरा साहब के जबरदस्त जवाब और ज्ञान का भंडार आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर आजकल जो भारत, जो नया भारत बन चुका है उसके बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।